गुड इवनिंग नाजरीन, हमारे हीरोज कौन है, हमारा कल्चर क्या है और हमें टीवी पर क्या देखना है और क्या नहीं देखना, इसका तय्यून कौन करेगा। वेलकम टू 8 PM विद परिया जी। जब बागबान ने आग दी मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये शेर मुझे यूं याद आया कि मुल्क में लोड शेडिंग पर आवाम तो इत्तेजाज कर ही रहे हैं, मगर लगता है कि इस लोड शेडिंग ने हुकूमत के साथियों के भी कस्बे निकाल दिए हैं और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। पहले काफली के वुज़रा ने तनकीद की और आज सेनेट में ANP के रहनुमा जाहिद खान ने सदर के खिताब पर बहस करने से इनकार कर दिया और कहा कि लोड शेडिंग और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वो सदर की तारीफ नहीं कर सकते। उसके बाद ANP एहतजाजन सेनेट से वॉकआउट कर गई, जबकि MQM के सेनेटर ताहिर मशदी भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मौजूदा हुकूमत भत्ता खोर हो चुकी है, इंडस्ट्री तबाह है और उसके बावजूद वो इलेक्शन जीतने का सोच रही है। जो वजीर 4 साल तक बिजली ना दे सका उसे वजीर आजम बना दिया गया है। वजीर आला पंजाब तो पहले ही वफाक पर पंजाब के साथ लोड शेडिंग में ज्यादती के ऊपर मुसलसल अपना उसका इजहार करते रहे हैं, मगर मौजूदा लोड शेडिंग पर अब उनका पैमाना सब्र एक दफा फिर लबरेज हो गया। उन्होंने आज लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली की क्यादत की। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। पंजाब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आज लोड शेडिंग, करप्शन और कमीशन माफिया की बदतरीन इन नाइंसाफियों की वजह से है। आज अगर दुख है तो हमें सबको दुख का साथी बनना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के इल्जाम और सख्त बयानात की तो आदि है, मगर अब उसे अपने इत्तेहादियों की जानिब से इतने सख्त रद्द अमल की तवक्को शायद नहीं थी, मगर क्या करें, लगता है कि इत्तेहादी भी मजबूर हैं। इस बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से वो अब अपने हलकों में जाकर शायद अवाम को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। ये बात खुद हमें ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे MNAs बताते हैं और इलेक्शन से चंद माह पहले वो अवाम की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। इसलिए इस वक्त पोजीशन ये है कि हुकूमत हर तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है, मगर क्या हुकूमत इस वक्त अवाम और अपने इत्तेहादियों की नाराजगी मोल ले सकती है और क्या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोड शेडिंग सॉर्ट आउट करने का कोई प्लान भी है। वक्त के बाद हम बात करेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब, मुशीर वजीर आजम, मुशाजरा मुस्लिम लीग नून, सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, महमूद रशीद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रजा हारून साहब, रहनुमा MQM। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक की वॉचिंग 8 PM विद फरिया जरीस। वेलकम बैक। हम बात करें लोड शेडिंग की और क्या हुकूमत के हामी भी अब उससे उतने ही नाराज हैं जितने की आवाम नजर आते हैं लोड शेडिंग के मामलों पर। इस पर ही बात करने के लिए वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू माय पैनल। रजा हारून साहब, आपसे आगाज करूंगी, अब भत्ता खोर है मौजूदा हुकूमत, मशदी साहब कह रहे हैं। मुझे नहीं पता मशदी साहब के क्या अल्फाज थे, किस कॉन्टेक्स्ट में अदा किए थे। मैं समझता हूँ मुनासिब पार्लियामानी अल्फाज नहीं है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रेस करना चाहिए पार्लियामानी लैंग्वेज के अंदर। और लोड शेडिंग यकीनन एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, नेशनल इशू है, सब लोग परेशान है। इसमें सिर्फ हुकूमत परेशान नहीं बल्कि आवाम परेशान है, एक आम घराना परेशान है। और इसका हल ढूंढने के लिए 4-4.5 साल से ना हुकूमत ना अपोजिशन ना सूबों ने किसी ने मिलजुल कर बैठ कर कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप नहीं किया कि 4-4.5 साल में हम बहसियत अवामी नुमाइंदे अवाम को जाकर ये मुजाहरे करना, ये इस इशू को रेज करना और सड़कों पर जाकर तोड़फोड़ करना, इसके अलावा भी सियासी जमातों के काम होते हैं कि सोल्यूशन पेश करें। बहुत दफा मैंने खुद देखा है कि ये जो हमारा प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट का जो एक फोरम बना हुआ है वो बैठता है, उसके बाद वो बातचीत भी करता है। एनर्जी पे बंद कमरे में ब्रीफिंग हुई है, उससे ब्रीफिंग के अंदर पता नहीं क्या गुफ्तगू होती है और सड़क पर जो हमें कुछ और नजर आता है। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान में, जस्ट 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 वन मिनट वन सेकंड,
लेकिन लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 19,500 मेगावाट से ज्यादा है, जबकि खपत और नीड जो है इससे बहुत कम है। यकीनन कहीं ना कहीं प्लानिंग का फुकदान है, यकीनन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के फॉल्ट्स हैं, यकीनन कहीं ना कहीं हमें इनकॉम्पिटेंसी नजर आ रही है। जब इतनी बड़ी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, चाहे वो हाइड्रल पावर हो, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल से हो, या फर्नेस ऑयल से लें, या एटॉमिक एनर्जी से लें, कैपेसिटी तो हमारे पास मौजूद है, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो एट फॉल्ट है। इसको मान लेने में मैं समझता हूँ कोई 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 बुराई नहीं। आपने अच्छा किया, आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया जो मशदी साहब ने कहा, मगर उन्होंने एक और बात भी कही, वो ये भी कहते हैं इंडस्ट्री तबाह, ये तो मानते हैं आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री तबाह है? मैंने तो कहा ना कि बिजली के बगैर तो दुनिया में क्या होता है, अगर आप बिजली देंगे इकोनॉमी तबाह होगी, इंडस्ट्री तबाह होगी, इकोनॉमी तबाह होगी, लॉ एंड ऑर्डर। और तो हुकूमत दोबारा इलेक्शन जीतने का सोच रही है, जो वजीर, मेरा पॉइंट सुनने, जो वजीर 4 साल तक बिजली नहीं दे सका उसे वजीर आजम बना दिया गया। नाउ दिस इज योर सेनेटर जिन्होंने ये बात कही है, उन्हीं वजीर आजम के बारे में जो 9-0 में गए हैं, आपने उनकी सही खातिर तवाज़ा किया है। आपने कहा, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि राजा परवेज़ मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए, उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से, ही इज लाइक मी। उस वक्त नहीं पता था कि पिछले 4 साल ये बिजली के लिए क्या कर चुके हैं, आपने खुद कहा कि इतने ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है, उस वक्त आपको नहीं पता था कि राजा परवेज अशरफ का क्या बैगेज है। I don't take individuals, I don't make personal remarks on anyone, and I should Mashadi sahab, if he has made so, should refrain from doing so. हमें इश्यूज से बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स की नहीं होती, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, उनकी मैनिफेस्टो की होती है, उनकी पॉलिसी की होती है। कोई वजीर आजम इंडिविजुअल कैपेसिटी में गवर्नमेंट नहीं रन कर सकता, उसको अपनी पार्टी की पॉलिसी लाइन को टो करना होता है। और किसी पार्टी की पॉलिसी, अगर आप मैनिफेस्टो उठा लें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम आगे लोड शेडिंग को बढ़ाएंगे, सब ये कहते हैं हम कम करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि टारगेट करना, तमाम गुजरा आला को छोड़ देना, तमाम हुकूमतों को छोड़ देना, तमाम जिम्मेदारों को छोड़ देना, पेपको को छोड़ देना, वापडा को छोड़ देना, केएससी को छोड़ देना, एटॉमिक एनर्जी वालों को छोड़ देना, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हमारा नेशनल इश्यू अगर इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी बाकी इकोनॉमी रिलेटेड है, इंडस्ट्री रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, पॉवर्टी रिलेटेड है, इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस पर हम क्यों नहीं बैठ सकते, हम क्यों नहीं बैठ के कोई हल निकाल सकते? हम अपने सारे पार्टी पॉलिटिक्स पैरामाउंट है, इसका मतलब पॉइंट स्कोरिंग पैरामाउंट है, इसका मतलब डेमोंस्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज कराना। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में ये बात दिखते हैं कि 4 साल से एक शख्स को एक वजारत दी गई थी, वही सबसे बड़ा बुरान है, और आज वो वजीर आजम है, इसके खिलाफ आवाज उठाना नेशनल इंटरेस्ट नहीं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि 4.5 साल से ही है ना ये मसला, कोई नया नया नहीं खड़ा हुआ, पहले भी लोग एहतजाज करते थे। अब जूं जूं मसला बिगड़ता जा रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं, लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं, तो वो ऐसा ऐसा उसमें यानी कि बढ़ोतरी भी हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस पे कोई काम नहीं हुआ, बात यह है कि आपकी तरजीहात, आपकी नियत, आपके एक्शन से पता लग रहा है कि ठीक नहीं है। मसला अभी रजा हारून साहब ने यह कहा कि जी अपोजिशन ने भी कुछ नहीं किया, और हालांकि ये अपोजिशन का काम नहीं है, क्योंकि टोटल पावर जिनके पास हैं, हमने फिर भी ये किया कि एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, वजीर आजम साहब वहाँ पे आए, और वहाँ पे ये कंसेंसस था कि आज के बाद जो लोड शेडिंग है चारों सूबों में वो मुसावियाना होगी। अब ये यानी कि कंसेंसस के बाद हुआ ना, गुफ्तगू के बाद हुआ ना, दीगर चीफ मिनिस्टर्स भी वहाँ पे थे, सब कुछ थे ना, उसके बाद जब एक फैसला हुआ तो उस पर अमल दरामद करना अपोजिशन का काम है या हुकूमत का काम है? हुकूमत का काम है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप समझते हैं आपकी हुकूमत बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है जहां पर हम आज खड़े हैं, क्योंकि पंजाब में तो आपकी हुकूमत है। देखें, बात यह है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, ये डेवोल्यूशन से पहले तो ये टोटली सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का था, डेवोल्यूशन हुई है 2 साल पहले, ऐसा ऐसा अभी वो पूरी चीजें डिवॉल्व भी नहीं हुई, इसके बावजूद अब फिर इस पे आएंगे तो फिर मैं ये मेरा ये सवाल खड़ा है ना अपनी जगह पे कि भाई ये नंदीपुर के और चीचों की मलिया के जो आपने प्लांट रोके हुए कराची में, और क्यों रोके? फिर आपने मुख्तलिफ इशूज़ पे जब सॉवरन गारंटी मांगी गई
तो आपने नहीं फराम की, और बात क्या हुई है जो दो मैं जिन उनकी बात कर रहा हूँ, और अभी भी हमने कुछ कर लिया है लेकिन उसमें टाइम लगता है, तमाम चलतर रुकावटों के बावजूद मतलब कमिश्नरें मांगी गई हैं, ये चीचों की मलिया और ये जो यहाँ पे वजारत खजाना और लॉ डिपार्टमेंट में पड़े रहे इधर से उधर उधर से इधर, तो जब आपकी तरजीहात नहीं है, आपकी नियत नहीं, अभी भी मैं आपको एक बात आप अभी भी समझते हैं नियत नहीं है, नियत क्या है मुझे बताया कि परसों इस मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी कौन है, आसिफ अली जरदारी साहब, वही मानेंगे मेरी गुजारिश सुन लेंगे, पर्सनली आपका अपना ओपिनियन है, बात ये है कि जरदारी साहब है ना जिनके हाथ में सब कुछ है, ठीक है, अच्छा वो परसों ये कह रहे हैं, मतलब पूरा मुल्क चीख रहा है, आग लगी हुई है हर छोटे बड़े शहर में, मोटरवे बंद, फलाना बंद, और सिर्फ पंजाब में नहीं, केपीके में भी यही सूरत हाल है, दीगर जगहों पे, अच्छा वो फरमा रहे हैं जी मैं चारों सूबों में इलेक्शन जीतूंगा, ये तो आपकी इंटेंशन है, ये आपकी डायरेक्शन है भाई, ये तुम मसला हल कर लो, तुम जीत जाना, आप मसले पहले हल कर लें उसके बाद जीतने की ख्वाब देखें, ख्वाब मत देखें दिन में, कहते हैं चौधरी निसार भी, मगर मुझे ये बताएं कि अब तो आपके इत्तेहादी भी नाराज हैं आपसे, अब कुछ कर लेंगे आप लोग? देखें जी इत्तेहादी ही नाराज नहीं है, ये तो हमारी अपनी पार्टी नाराज है, तो आप देखती हैं रोजाना कभी हमारे चेयरमैन पीएसी कहते हैं मैं रिजाइन कर दूंगा, हमारे एमएनएस मिलते हैं, फयाल बीबी मिलती हैं वो क्या नाराज हैं, प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एनर्जी टीम से नाराज, हर आदमी इसमें ऊपर क्या शक है, नाकामी है इतने सालों बाद, अब बिजली नहीं है, नाकामी है, कोई इनकॉम्पिटेंस दिखाई है आपने मुझे कि हर कोई नाराज है, किसी को कुछ पता नहीं, नहीं, नहीं क्या होगा, सब नाराज हैं कि बहुत बुरा हो गया, अगर बात मुकम्मल करने देंगी तो फिर आपको जरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, पूरा आपको मिल जाएगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि बिजली जो है वो नहीं है पाकिस्तान में, और हम रिस्पॉन्सिबल है, बिजली हमें देनी चाहिए थी, नहीं दे सके, क्यों नहीं दे सके, वजह यह है जैसे अभी आप देखें कि हमारे यहाँ टोटल जो बिजली की इस वक्त कागज़ों में कैपेसिटी है वो है 19,500 की, जैसे रजा ने कहा जो ओरिजिनल बिजली हम बना सकते हैं इस वक्त वो है 15,300 मेगावाट, ज़रूरत है 17,500 मेगावाट की, हम बना रहे हैं इस वक्त 11,500 से 12,000 मेगावाट, 4,000 मेगावाट जो बन सकती है क्यों नहीं बना पा रहे, इसलिए नहीं बना पा रहे कि आपका जो गैस का शोबा है, आपका सीएनजी और जो इंडस्ट्री को गैस जाती है वो तमाम की तमाम डाइवर्ट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, ये शोबे बंद हो जाएंगे, आप 3,000 मेगावाट बिजली बना सकेंगे, आपकी लोड शेडिंग जो है कुछ कम हो जाएगी, मुकम्मल खत्म फिर भी नहीं हो सकेगी। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब आप अभी राजा परवेज अशरफ साहब की बात कर रही थी कि जब वो मिनिस्टर थे क्या किया, 1991 में पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी थी हमारे हाइडल के ऊपर वो 45% के ऊपर थी, हम पानी से बिजली बना रहे थे, अब वो कम हो करके 11% रह गई। मैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स में, फिगर उसको लगाना ही ना, इसको काउंटर फिगर देने के लिए कोई यहां पे सर एक्सपर्ट नहीं, काउंटर फिगर है ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, राजा का पॉइंट जो था ना, मैं आपको बताऊं, अच्छा अब प्रेसिडेंट जब सबसे मौजूदा हुकूमत आई है 3600 मेगावाट बिजली ऐड हुई है हमारे एग्जिस्टिंग में, राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या किया और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि बिजली तो हमें चाहिए कल, आप डैम्स की बनाते हैं, आप हाइडल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो सारे हैं 10-10 साल के, 5-5 साल के, हमने ये किया कि जी रेंटल पावर ले आते हैं, कल रेंटल पावर लगाते हैं और उससे वो पैसे मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, उन्होंने कहा कि रेंटल पावर बड़ी महंगी है नहीं चल सकती, जब आपके मुआशी फैसले भी जजों ने करने हैं, जब आपकी मईशत एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी जजों ने चलाने हैं, इरेडिकेटली यही होगा ना, फिर हम पे असर आएगा, आपको पता है उसके अंदर पेटिशन क्या था, उसकी आप कहीं से कहीं बात छोड़ के आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके चले गए, आपने खुद ये बात की है कि आपसे सब नाराज हैं, ये तो मानते हैं ना कि आप लोग फेल हो गए इस शोबे में, मेरा सवाल ये था, आपने उसकी बैकग्राउंड में चले गए, मुझे ये बता दें अब हल करेंगे, अब तो इत्तेहादी भी नाराज है, सवाल ये था मेरा, सवाल ये है कि अब ये बिजली हल होनी है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, आपको फेजेस बनाने हैं, पहले आपको टेम्परेरी फिलहाल बिजली के लिए इकदाम करने हैं, अभी मुशाहिदुल्लाह साहब जो है पिछले साल पंजाब को 650 अरब रुपया मिला है एनएफसी से, इस साल 702 अरब रुपया मिल रहा है, इसी तरीके से बाकी तीनों सूबों को भी मिल रहे हैं, पंजाब अकेले को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपके पास इतने पैसे हों फिर आप उसको तंदूरों में नहीं डालते, उसको आग छिड़ने लगा देते, आप लैपटॉप्स के स्कीमों के ऊपर आगे नहीं लगा देते 4% के लिए, आप दाने सपोर्ट में नहीं लगा देते, सर वो तो बीआईएसपी का जो बीआईएसपी का और लैपटॉप का बड़ा मुख्तलिफ है, कैसे मुख्तलिफ है, इसलिए जो है ना वो इंतहाई गरीब औरतों के लिए है, और लैपटॉप स्कीम अलीट स्टूडेंट्स के लिए है, जो 6% हमारे होते हैं ना ग्रेजुएट्स,
आपके प्राइमरी स्कूलों की दीवारें गिर रही हो ना, फिर आप लैपटॉप नहीं बांटते, फिर आप प्राइमरी स्कूल के ऊपर लगाते हैं ना। बेनजीर इनकम स्पोर्ट आप बहुत जो बेसिकली जो 1000 रुपया भी जिनके लिए बहुत है उनको दे रहे हैं, फर्क है। अच्छा, अब नॉट विद स्टैंडिंग मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूं, बेनजीर भुट्टो को, तो बेनजीर भुट्टो जो इनकम सपोर्ट है उसको तो वर्ल्ड बैंक और IMF और बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर्स को ना किया होता हमारे यहाँ लोड शेडिंग कम होती, ये नई बात खत्म ना होती, ये नई बात है। अब भी जो है जो मंसूबे बना रहे हैं प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर परवेज अशरफ साहब, लाजमन कमी आएगी इस पे, अहमद मुख्तार साहब सब लगे हुए हैं। जब आप लोग कहते हैं सैरी और अफतारी में नहीं होगी, फिर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, उसके बाद रोज तूफान आ जाए और 500 के भी है अपना गिर जाए तो बंदा क्या करे। इन अदर वर्ड्स आप कुछ कर नहीं सकते, आप लोग फिर जुम्मे से कम हो गई ना बिजली, जुम्मे से कम हो गई। साहब वो कह रहे हैं हमारे पास प्लानिंग है लेकिन मसाइल बड़े, सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में ना आती तो कम लोड शेडिंग होती है। फवाद चौधरी साहब का मौकफ है, आप क्या कहते हैं? असरात हैं वो फवाद चौधरी भाई के चेहरे पे नजर आ रहे हैं। बात यह जी कि इसमें मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी टोटल तौर पे इसकी नाकामी की जिम्मेदार है। हाँ जी। ये अब 4.5 साल गुजरने के बाद ये कह रहे हैं जी अब हम टेम्परेरीली रिलीफ आपको देंगे, कौम को देंगे। मैं ये समझता हूं कि पिछले 4.5 साल में इस बदतरीन जो हालात में मुल्क चला गया है उससे ये किसी तौर पर बरियो जिम्मा नहीं, और ये सारी हुकूमत नाअहल है इस बात की, इन्होंने लोगों को डिलीवर नहीं किया। और मैं ये समझ रहा हूं सिर्फ मिसमैनेजमेंट के जरिए से, यानी 30-35% जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको अपग्रेड करके हम ये जनरेशन पावर जनरेशन ज्यादा कर सकते थे, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। 1.5 दर्जन के करीब GM लेवल के लोग जो है रिटायर्ड पड़ा है। आप नेस्को, फेस्को, मैपको, उसके अंदर जितने रिटायर्ड लोग एक्सटेंशन लेके वहां पर बैठे हुए हैं उनको सिवाय बिजली व पानी के वजीर को और वजीर आजम को राजी रखने के अलावा, अपनी कुर्सी बरकरार रखने के अलावा कोई काम नहीं है। यानी लेफ्को और फेस्को में 13-14% बिजली चोरी होती है, जबकि पिशावर, क्वेटा और KEMC में ये जाके 30-40% तक बिजली चोरी हो रही है। और जिस तेजी के साथ ये बिजली के नर्फ बढ़ा रहे हैं, अगर ये इसी तरह से बढ़ाते रहे तो ये जो रेवेन्यू है वो और कम हो जाए। लेकिन महमूद रशीद साहब, आपसे मियां शहबाज शरीफ का मौकफ है एक सूबे को खास प्लान के तहत टारगेट किया जा रहा है, आप एग्री करते हैं इस बात से? मेरा ख्याल है कि ये ठीक भी होगा और इसके ऊपर एहतजाज भी होना चाहिए, लेकिन पूरी कौम को मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है। आज आप खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से, कल सिंध के अंदर जिस तरह से मुजाहरे हुए हैं, ये ऑल ओवर द कंट्री, पूरी दुनिया, पूरा जो मुल्क है वो आज सड़कों पर है और ज़हनी मरीज बन चुके हैं लोग। आप अफ्तारी के टाइम, सुबह सहरी के टाइम मस्जिद में चले जाएं, वहां नल खोले, वहां पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है, रोजा अफ्तार करने के लिए लोगों के घरों में ठंडा पानी नहीं है, बर्फ लेने के लिए जाते हैं पूरे शहर में बर्फ नहीं मिलती कि बिजली नहीं है और बर्फखाने बंद है, बर्फखाने काम नहीं कर रहे, लोग ज़हनी मरीज हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को अपनी नाअहली को और अपनी नए इंतखाबात का विकल्प बचाना चाहिए। वो इलेक्शन इन्होंने फिर नहीं लड़ना, फायदा क्यों ही लड़ना, उन्होंने बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे वो। लेकिन मुशाल्ला साहब मुझे बताएं, जो मियां शहबाज शरीफ इस दफा आवाम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलने, ये छुपते फिरेंगे फवाद समेत सारे लोग। फवाद साहब आप छुपते पड़ेंगे, बिजली हल नहीं करेंगे तो शायद यही होने वाला है। बिजली भी हमने हल करनी है, बाकी मसले भी हमने हल करने हैं। आप कर लेंगे इसमें बिजली का मामला, कर लेंगे पहले भी तो आपका कोई बिजली, इस वक्त भी जो बिजली के प्लान है ये बेनजीर भुट्टो ने शुरू किए थे ना, इस पे मुशाहिदुल्लाह साहब की पार्टी ने फिर बाद में केसेस बना दिए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इल्जाम लगाया और पीछे आप कैसे समझ रहे हैं जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो एनर्जी का विजन था जो उन्होंने लिया था
अपने पहली गवर्नमेंट में 94-97 में जो उन्होंने शुरू किया था, और 88-90 में जो शुरू किया थे, 97 में उनकी हुकूमत थी, 1993 में, और जो तमाम मंसूबे उन्होंने शुरू किए थे अगर उसके ऊपर अमल जारी रहता तो आज लोड शेडिंग ना, आईपीपीस का जो सारे प्रोजेक्ट्स वो लाइन थी, थार कोर के ऊपर जो उन्होंने किया था। बात यह है, देखो हुआ पता है क्या फवाद, तुम तो खैर अभी आए, ये बाकी लोग जो है ना तुम्हारी पार्टी के, ये 4.5 साल यही करते रहे कि जी 94 में लाइन, 94 में हुआ ये कि आईपीपीज आए, ठीक है, आईपीपीज आए, जिन आईपीपीज ने बांग्लादेश को 2 रुपए कुछ पैसे में फी यूनिट दिया, इन्होंने 5 रुपए में ले लिया और सारा माल खा गए, उसको हमने बंद किया। और जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो 1000 मेगावाट बिजली सरप्लस थी, ये रिकॉर्ड की बात है। अब ये बार बार मतलब कि आप अगर ये बातें करने सुन ले ना, दूसरी बात ये है, मैं आज की बात करता हूं छोड़ें, आज जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पैदावार की वो तो है 21,000 कुछ सौ, तकरीबन 22,000 है, लेकिन कागजों में नहीं है, 15,300। मेरी बात तो सुन लो ना, मेरी बात तो आपने कौन से कागज देखे? मैं मेरे ये जो मैं जो फिगर बता रहा हूँ ना, ये जाके आप भी चेक कर लीजिएगा अभी। अच्छा चले, अच्छा सुन ना, सुन तो यार मेरी बात पूरी होने दो, मैं अब नहीं ऐसे नहीं होगी बात, नहीं पॉइंट मेरे मुझे बहुत सारे पॉइंट दे दिए ना, अभी उन पर तो बात होने दो ना। बात यह है कि अच्छा जो इनकी जेन्युइन सलाहियत है वो 18,000 कुछ सौ है, 18,000 ही जरूरत है पाकिस्तान की, ये मैं सिंपल बात बता रहा हूँ आवाम को समझाने के लिए। 6,000 का शॉर्टफॉल है, बिजली की कीमत डबल से ये ज्यादा कर चुके हैं 4.5 साल में, और आपका जो सर्कुलर डेट है वो 265 बिलियन से क्रॉस कर चुका है, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो 100 कुछ बिलियन था, अब ये 265, उन्हें ये ना पैसे दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा जब आप फिर ये जो अभी बात हुई पंजाब की, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, बातें कर देना बड़ा आसान है, फैसलाबाद जो वहां पे बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है इंडस्ट्री की वजह से, वहां पे 94-98% तक जो है ना बिल दिए जाते हैं रिकवरी है, ये मजाक बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल पंजाब सबसे कम लाइन लॉसेज है, सिंध के 40% है, फाटा देता ही नहीं, केपीके के भी हैं, अच्छा लेकिन सबसे कम बिजली आप दे रहे हैं, इसके बावजूद कि आप कई दफा ये ऐलान कर चुके हैं कि हम, अब देखें ना पंजाब कोई चीज नहीं है, पंजाब कोई बर्मा का सूबा नहीं है, पंजाब की इंडस्ट्री चलेगी तो उसका तीनों सूबों को फायदा होगा, फेडरल गवर्नमेंट को फायदा होगा, ये हमें समझ में नहीं आती कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से कि पंजाब के लोगों को आप टारगेट बना रहे हैं, पंजाब की मईशत को टारगेट बना रहे हैं, वहां पे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। अब इसका ये जवाब दे देना कि जी 94 में ये हुआ था, ये जवाब आप 4.5 साल से दे रहे हैं, इसीलिए आपने कुछ ये किया। इसका जवाब अच्छा, एक और आखिरी बात सुन ले, भाषिया दयामीर डैम जो है, आपको पता है 4.5 साल में कितना जबरदस्त काम किया है इस हुकूमत ने, वहां पे परवेज मुशर्रफ की तख्ती हटा के जरदारी साहब या गिलानी साहब की लगाई, इसके अलावा अगर कोई काम हुआ हो तो मेरा गला है और आपका हाथ, जो काम चल रहे थे तो उनको क्यों नहीं पूरे कर सके, और आपको तो अच्छी तरह पता होगा, मुशर्रफ साहब का भी पता होगा, पहली बात इसका ही बताओ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कहा कि पंजाब को जो है वो किया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि जो टोटल बिजली की हमारी प्रोडक्शन है, लेट्स से अगर 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है तो 65-68% ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी गोज टू पंजाब, ठीक है जी, बाकी चारों सूबों में अबाउट 37% बिजली तकसीम होती है, 68% और उसमें भी एग्री कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि को पंजाब से को यार आप हल बताएं छोड़ें, आप ये जो लोग निकले में इनका क्या करें, थोड़ी गल नहीं करनी, अच्छा आग लगी हुई है, तुझे आग लगी हो तो आगे दिल से आग लगी हुई है ना, देखा होगा आपने भी, आप इतना काम नहीं कर रहा, पंजाब ये निकालते हैं ना, बाकी तीनों सूबों में लोड शेडिंग है ना, भैया अगर आप जरूर निकालें, अच्छा जरूर निकालें, आज इस्तीफा दें, अपोजिशन में जाएं, और ये तरीके इंसाफ वाले बिल्कुल इनको सही कहते हैं, भैया आप अपोजिशन में हैं या आधे मर्द बना के पंजाब में डाल दे, औरत भैया आप इस्तीफा दें और आगे ये पंजाब में हुकूमत बनाए खान लीग के साथ मिलके, हम बनाएंगे और बिल्कुल ही बेला, अभी भी तो आपको दी है ना, अभी भी तो आसिफ जरदारी ने मेहरबानी की आप पे, हमने आसिफ जरदारी पे मेहरबानी की, मेरे बेटे 46 कम थे हमारे 8 कम थे, आपके 46 कम थे हमारे 8 कम थे, वो तो कहते हैं
कि उन्होंने बनवाई है सर, जरदारी साहब नहीं तो हमने इनकी बनवाई ना, अगर ये बात सही है इनके 124 से 172 जाइए थे कितने कम थे, हम तो इनके बगैर भी बना रहे हैं ना, आप भी ये तो मिनोरिटी में है ना, हम भी आपके बगैर बना रहे हैं, आपके बगैर बना हमें लगे हुए ना, ये तो इन्होंने तो बंदे तोड़े ना, वो क्यू लीग के बंदे तोड़ के जो टिकट पे इलेक्टेड बंदे जो है वो इनको तोड़ के अपने साथ आ गए ना, हमारे साथ कोई नहीं है, वो तो एक पार्टी है ना, एक पार्टी अलायंस बनाते हैं, एक पार्टी में से लोग तोड़ते हैं जिसके ऊपर COD बनाया था कि हम नहीं करेंगे। अच्छा बात यह है कि पहली बात तो ये है कि इन्होंने, दूसरी बात ये इन्होंने की है कि जी हम मंसूबे इसलिए शुरू नहीं कर सके पंजाब में, पैसे हमारे पास थे सब कुछ था, लेकिन नहीं 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 मेरी बात सुन रहा है, नहीं ना खुद ही इन्होंने जवाब दे दिया कि KPK में भी तो बिजली नहीं जा रही, सिंध में भी तो नहीं ना जा रही, कोई पंजाब टारगेट नहीं हो रहा, हर जगह के ऊपर 40% लाइन लॉसेज है हर जगह पर, यहाँ पे 6-7 अच्छा बात यह है कि मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि पहली बात नहीं मेरा पॉइंट सुन, इन्होंने ये कहा कि जो अपना ये पंजाब में हम इसलिए मंसूबे शुरू नहीं कर सके कि वहां पे कमीशन मांगते थे इन दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, भाई आप यहाँ पे मक्खी पर है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, आपसे लोगों ने कमीशन मांगे पैसे मांगे आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं हमारे तो आप NRO के ऊपर गए, मेमो कमीशन रेंटल के सवाय अरसलान इफ्तखार के और इसके ये दो केसेस में ये नहीं गए, चले जाते हैं ना रेंटल पावर पे गए ना, करवाना है सब कुछ तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं लाटे यहाँ चले जाते हैं, इनको तो फोबिया है सुप्रीम कोर्ट के साथ, मुझे आप बताएं बिल्कुल लाइक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि वाकई में सिंध के हालात देखें और पंजाब के हालात देखें तो आपको फर्क नजर आता है क्या, ज्यादा टारगेट किया जा रहा है पंजाब? मैं तो बड़ा, मुझे बड़ा अफसोस है कि नेशनल लेवल के लीडर्स नेशनल टेलीविजन से बैठे हैं और पंजाब और सिंध और KPK और फटा की बातें करें, इट्स डेंजरस, मेरे ख्याल में ये इस तरफ एक नेशनल लेवल की लीडरशिप का जाना, इस तरह से गुफ्तगू करना, सूबों को सूबों के सामने खड़ा करना बहुत ही खतरनाक गुफ्तगू है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो चाहता हूं पूरे पाकिस्तान में सबके पास बिजली अवेलेबल हो, बराबर अवेलेबल हो, एक गुफ्तगू करनी चाहिए हमें नेशनल, मैंने कहा ना नेशनल इंटरेस्ट में गुफ्तगू करनी चाहिए, पंजाब किसी का जागीर थोड़ी है कोई, हमारा भी सूबा है, इसी तरह सिंध हमारी जागीर थोड़ी है, इनका भी सूबा है, हमें मुल्क की सभा बात करनी चाहिए। नंबर एक, नंबर दो बात यह है कि कराची को जो बिजली मिलती है उसका ब्रेकअप पूछ लें, ये सारी की सारी बिजली वापस से नहीं आ रही, वहां से 600-650 मेगावाट का वादा है वो भी नहीं मिलती कभी पूरी, ये तो IPPs है यहां पर जो ये प्रोड्यूस करके KSE को प्रोवाइड करते हैं, कराची को बिजली मिलती है, सिंध में भी बड़ा प्रॉब्लम है, पंजाब में भी बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे मुल्क में इस चीज का प्रॉब्लम है, हम बार बार ये बात इस टेबल पर बैठकर कर रहे हैं, हम चारों, चाहे मैं हूं या मुशाहिद भाई हूं या फवाद भाई हूं या रशीद साहब हूं, कि हमारी कैपेसिटी 19,500 है, हमारी डिमांड चले 18,000 है, चले 14,000 है, हमारी डिमांड कम है, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन हम फर्नेस ऑयल नहीं खरीद पा रहे, हमारे पास गैस नहीं है, हम नए प्लांट लगाने के लिए अगर सोच भी लें, काइंडली अगर हम नए प्लांट लगाने का सोच भी लें तो अगर आप फर्नेस ऑयल का प्लांट लगाने जा रहे हैं या अगर आप गैस का प्लांट लगाने जा रहे हैं वो तो काम नहीं करेगा, आपका सिंपल लॉजिक है कि वही हालात हैं हर तरफ और इसको सॉल्व करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है उस पर हम प्रोड्यूस जो नहीं कर पा रहे वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम फर्नेस ऑयल को हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हम गैस को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे, तो नया फर्नेस ऑयल का प्लांट हमारे मसले हल नहीं करेगा, हमें मसले हल करने होंगे या तो न्यूक्लियर प्लांट लगाकर या हाइड्रल की एनर्जी बढ़ाकर, हमें दूसरा जिस चीज पर हमें नेशनल लेवल की लीडरशिप को गुफ्तगू करनी चाहिए वो है हमारे मुल्क में एनर्जी कंजर्वेशन की, हमारे यहां ये कॉन्सेप्ट जो है ना सियासी सतह पर ना गवर्नमेंट की सतह पर इसको उस तरीके से प्रोपगेट और प्रमोट किया जाता है कि जहां जिन ममालिक में जिस मुल्क के अंदर ऑलरेडी बिजली मौजूद नहीं है जी, हम ऐसी प्लानिंग नहीं कर पा रहे पंजाब वाले दो एनर्जी को बचाए मार्केट बंद करने को बचाते हैं, अभी वो कह रहे ना बात करो हैं पंजाब का, मैं एक बात पंजाब मैं वक्फे के बाद आपके पास आती हूँ, आपका सवाल, आप सवाल खत्म कर लें अपना सवाल आपका। नहीं मैं ये कह रहा था कि हम लोग इन लाइनों पर सोचें, इसी लाइन पर तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस करने चाहिए, चकोर मेज कर लें, गोल नहीं पसंद है गोल मेज कर लें भाई, बैठ कर तय कर लेना इसको, बैठ के तय किया था ना, चकोर मेज करें
जिसमें एएनपी को बिठाए, काफ लीग को बिठाए, पीपल पार्टी को बिठाए और खुद बैठे और पहले खुद इकट्ठे हो जाए, पहले खुद इकट्ठे हो जाए। अभी तो हमने मतलब नेशनल इश्यूज पे भी एनिमोसिटीज खत्म नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगे भाई। आप हम बहुत छोटे हैं, नहीं बात ये हम बहुत छोटे हैं, बात ये रजा भाई बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा रजा इन्होंने अपनी 1.5 इंच बड़ा होना पड़ेगा बनानी है इन्होंने, इस वक्त आप अकेले है ना, मानना पड़ेगा बड़ा होना पड़ेगा। ये वक्फा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किसको बड़ा होने की जरूरत है। लोड शेडिंग में हम बात करें, मगर कल आपको याद होगा कि मैंने आपको एक भारतीय फिल्म की कुछ क्लिप्स दिखाए थे, उसके बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, मगर वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग इट फिल्म फॉर योर रेस। अम्मी, अरे अम्मी आप आ गई, ये मैं ले लेता हूँ, बर्तन मैं धो देता हूँ। वो शेरी का फोन आया था। अच्छा, सारे दोस्त इफ्तारी पर बाहर जा रहे हैं, मेरा मतलब कि जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि बिल्कुल नहीं। वेलकम बैक। आपको मैंने वक्फे पे जाने से पहले कहा था कि आपको उसी टाइगर के बारे में जिसको कहा जाता है कि असल में वो टाइगर नहीं है बल्कि एक कैट है, उसके बारे में एक क्लिप देखिए। साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। तुम जिस मिशन पे जाते हो कोई न कोई मारा जाता है। टाइगर, इस मिशन में तुम्हें। कल मैंने आपको बताया था कि ये एक पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय फिल्म है, एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये टाइगर बिल्कुल भी एक टाइगर नहीं है बल्कि असल में एक पुसी कैट है। मगर आज हम भी ये बात एंडोर्स करते हैं, हम यहाँ से ये डिमांड करते हैं कि इस फिल्म को यकीनन बैन किया जाना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में पैमरा की कॉफिशर ने ये कहा है कि इस फिल्म पर पाकिस्तान में सिरे से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पैमरा के एक तर्जुमान ने कहा कि इस फिल्म पर पाबंदी ना लगाने का कोई इरादा है ना पहले था, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रॉडकास्टर्स सेंसर बोर्ड से एनओसी मिलने से पहले फिल्म की नुमाइश ना करें, जब ये एनओसी मिल जाएगा तो वो इस फिल्म को दिखाने की इजाज़त दे सकते हैं। इसकी हकीकत मैंने आपको कल बता दी थी, हमारा ब्लॉग है फेसबुक पर। आपके ख्याल से इसके बैकग्राउंड में कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, क्या इस फिल्म को पाकिस्तान में दिखाया जाना चाहिए? दिस इज माई फेसबुक ब्लॉग। बट कमिंग बैक टू लोड शेडिंग, रजा आलम साहब, वक्त से पहले आप कुछ कहना भी चाहे थे, मगर मेरा सवाल ये कि इस वक्त जो अक्सर लोग हमें भी ये सवाल कर रहे हैं, फेसबुक पर भी सवाल आ रहा है, आप लोग इस वक्त क्यों एहतजाज कर रहे हैं, एकदम से आपको क्यों लोड शेडिंग का मसला नजर आया? तो मुसलसल है और आप भी माशाल्लाह हुकूमत में है मुसलसल। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम तो तमाम आवामी इश्यूज पे डे वन से हमने अपना वॉइस रेज किया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सूबाई असेंबली हो, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हो, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर, हर जगह। ये तो कहीं एमकेएम इसमें शायद हुई नहीं, तो इसमें तो मेरे ख्याल में थ्योरी है कि बलदियाती इंतखाबात के ऊपर कोई इसके कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो समझता हूँ बड़ी अजीब सी बात है कि दो इशू को गुटमुट किया जाए, बल्दियाती इंतखाबात एक बिल्कुल ही डिफरेंट अवामी रिप्रेजेंटेशन का इशू है, अवामी सर्विस प्रोविजन का इशू है, उनकी डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 148 के तहत कोई भी देखे ना, अगर एमकेएम का कोई इशू हो भी हो पीपल्स पार्टी को, तो बाकी तीनों सूबों में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? तो ये कहीं भी नहीं हो रहे। हम तो चाहते हैं कि बल्दियाती कैदत की गैर मौजूदगी में आवाम का जो बुनियादी जरिया होता है अपने इश्यूज को रेज करने का, अपने बुनियादी मसाइल हल करने का, वो माइनस हुआ हुआ है। जब वो माइनस हुआ हुआ होगा ऐसे दौर में कि जब और बहुत सारे इश्यूज हों, इकोनॉमी ट्रबल में हो, लोड शेडिंग हो, तो फिर आवाम में फ्रस्ट्रेशन होती है। तो हम तो समझते हैं कि कल बल्दियाती इंतखाबात पूरे मुल्क में कराकर बल्दियाती क्यादत को स्टैब्लिश किया जाए, यकीन माने कि मुल्क के बहुत सारे इश्यूज का उसका हल उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, महमूद रशीद साहब, इस वक्त तकरीबन हर पार्टी लोड शेडिंग के ऊपर
احتجاج کر رہی ہے. آپ لوگ الزام لگاتے ہیں پاکستان سبھی نون کے اوپر کہ ان کا مک مکا ہوا ہے, نورا کشتی کرے, مگر اس وقت وہ سب سے زیادہ احتجاج کر رہے ہیں سمبولک طریقے سے جا کے ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ. پھر کیوں آپ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے بھی مسلسل اس کے اوپر احتجاج کیا ہے, اور دو تین دن پہلے خیبر پختونخوا میں ہمارا پورے صوبے کی سطح پہ احتجاج تھا, اس سے پہلے ہم نے پورے ملک میں احتجاج کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سستی شہرت لینے کے لیے آپ کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں, اس سے کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی یا ختم ہو گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں, پہلے نمبر کے ایک کہ یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کریں بجلی چوری کی روک تھام, نمبر دو جو ہمارا کلچر ہے یہاں پر دکانداری کا, شاپنگ سینٹرز کا, جب 12 بجے ہم کھولتے ہیں, اور وہ تو یہی تو بات وہ کر رہے ہیں جو جس طریقے سے کراچی میں اس بات کو سارٹ آؤٹ کیا تھا, جہاں پہ بل دیے جاتے ہیں وہاں بھی نہیں آتی بجلی. نہیں, وہاں بھی نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو درست کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے چاہیے, صرف احتجاج کرنے سے یا کیمپ لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ حکومت جو ہے یہ نااہل ہے ٹوٹل, اور اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3-4 ماہ کے اندر یہ ریلیف دے دیں گے قوم کو, تو میری سمجھ سے تو باہر ہے, یہ کیسے ریلیف دیں گے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں سے جان چھوٹ جائے. میں معذرت کے ساتھ رضا ہارون بھائی یہاں بیٹھے ہیں, یہ 4.5 سال تک اگر قوم کو ٹیمپریریلی ریلیف دینے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ یہ بناتے, اور یہ ہائیڈل جو جنریشن ہے اس کے لیے کوئی کام کرتے, چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے, اس پہ 4.5 سال میں کوئی پیش رفت ہوتی, قوم کو بتاتے کہ ہم نے ڈے ون سے آتے ہوئے آ کے یہ انرجی جو کرائسز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اب جب 4.5 سال گزر گئے ہیں, پانی سر سے گزر گیا, پوری قوم آج سڑکوں پہ ہے, ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا نہ صدر کو, نہ وزیر اعظم کو, نہ ان کی کابینہ کو کہ کیا کیا جائے, اب یہ قوم کو کیا دیں گے؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان سارے لوگوں کو اب ریزائن کر دینا چاہیے. یہ جو 4-6 ماہ اور کھینچنا چاہتے ہیں, یہ بیٹھے بیٹھ کے آئندہ انتخابات کی موڈیلٹیز طے کریں, اور یہ انتخابات کا اعلان کر دیں, نئے نمائندے منتخب ہوں جو بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ ان کرائسس کو حل کرنے کے لیے لایا. رضا ہارون صاحب, ابھی تک آپ لوگ سارٹ نہیں کر سکے معاملہ, تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ فیل ہو چکے ہیں, تو یو شوڈ سٹیپ اسائیڈ, یہ کہہ رہے ہیں محمود رشید صاحب. وہ تو عوام نے طے کرنا ہے نا, عوام کے فیصلے تو یہاں کے ٹی وی پروگرام میں نہیں ہوں گے. تو الیکشن کال کریں, اور ہر الیکشن کال کریں, ابھی الیکشن ہوا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی, ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے نا کہ اپنے ڈیموکریٹک پیریڈ, کانسٹیٹیوشنل پیریڈ کو پورا کرے, اس کے بعد عوام میں چلی جائے. اور یہ ایشو ہے, یقیناً ایسا ہے کہ اس کا جواب دینا ہوگا, اور عوام اگر مناسب سمجھیں گے تو منتخب نہیں کریں گے. لیکن ہمیں اگر یہ بات ہو گئی الیکشن کی, حل کیا ہے؟ حل آج کیا حل ہے؟ ابھی تو آج کی بات کرنی ہے نا, تو حل دے رہے ہیں, ہم لوگ جائیں, نئے لوگ آئیں وہ کر لیں گے سالو, انہوں نے تو حل دے دیا, آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اور تو نئے بھائی نئے لوگوں کے پاس جو ہے پرانوں کو دے دینا, اچھا آپ کے پاس عوام کا بھلا ہو جائے گا نا. نہیں سنیں, آپ کو عوام کو پریشان رکھنا چاہ رہی ہے, اور عوام کو پریشان کریں, ٹھیک ہے؟ نہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ عوام کو 4 مہینے اور پریشان رکھنے, اگر کوئی حل ہے کہ کل بجلی صحیح ہو سکتی ہے تو خدا کے واسطے نیشنل انٹرسٹ میں حکومت جا کے بات کریں, نیشنل انٹرسٹ میں حکومت کو جا کے دے دیں, آپ کے پاس کوئی حل ہے تو دے دیں, آپ کے ساتھ بیٹھے. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں, بات یہ ہے اگر 4.5 سال میں, ایک سیکنڈ محمود رشید صاحب, یہ کچھ نہیں کر سکے. ایک بات میں یہی آج کی بات کر رہا ہوں, انہیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے, پوری قوم جو آج عذاب میں مبتلا ہے یہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے, اسی میں ان کی بہتری ہے, اور نئے لوگوں کو مینڈیٹ دیں وہ آگے یہ سارا کچھ کریں. جی میں, بات یہ ہے کہ دو کام بیک وقت نہیں ہو سکتے. کون سے دو کام؟ ایک کرپشن اور ایک عوامی مسائل کا حل. بات یہ ہے کہ یہ ڈوبے ہوئے ہیں کرپشن میں, عوام کے
बिल बढ़ाए हैं इन्होंने, आवाम को परेशान किया है, अपनी जेबें भरी हैं, खानदान के खानदान, बच्चों के बच्चों ने, तो ज़ाहिर है तरजीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो इनसे कोई तवक्को नहीं है। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात जो रज़ा हारून साहब ने कही है कि पंजाब की बात, ये इसको बात छोड़ दें, हमने पंजाब के मसाइल बताए। उन्होंने बात सही कही है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, आप क्यों पंजाब नहीं, नहीं, नहीं है पूरे मुल्क में, नहीं ये किसने कहा नहीं है, नहीं है पूरे मुल्क में, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसका मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं ये बात मानती हूँ पंजाब में ज्यादा, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन लेना, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हम उन मसाइल को उजागर करने का मतलब पंजाब की बात नहीं करना, पंजाब और ये सूबाई मुनाफरत जिन्होंने फैलाई है उन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है इसको छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को ये बात करनी चाहिए थी, ये सिर्फ हमारी पार्टी क्यों करे पंजाब में, इसलिए कि आपने चूंकि तय कर लिया है कि नून की हुकूमत है, लिहाजा हमारा ये इशू ही नहीं है, असल बात तो ये है, अगर आप लोग हुकूमत पे ये दबाव डालते कि आपने ये फैसला किया था कि मुसावियाना यानी कि लोड शेडिंग होगी, नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी तो हम क्या करें, आप नहीं करें, मसला ये है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है ना तो सबकी बराबर है, जब हकूक और रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो फिर सब बराबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस गुफ्तगू को ना करें, नेशनल गुफ्तगू करें, वरना बहुत कुछ कह रहे थे इस तरह सुबह पाकिस्तान की बात करें, मुजाहिद भाई पाकिस्तान की बात कोई नहीं करता, रजा हारून तुम्हें पता है, वजीर आला, वजीर आला जो है वो वजीर आला मुस्लिम लीग का सदर है, सुबहियत के वजीर आला साहब मुस्लिम लीग के सदर है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जमात है कि पंजाब के सदर है, मुझे बताएं कि आप भाई पंजाब में बैठे हुए हैं, सारे हुकूमत में बैठ के सारे मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करें, क्या करदार, सारे मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करें, आपने कोई करदार अदा नहीं, सारे मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करें, वो कह रहे हैं सारे मुल्क से, मैं ये कह रहा हूँ सारे मुल्क से करदार करें, पाकिस्तान का एक एक आप अगर बात करें तो पंजाब से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए आपने क्या किया, ये उनको कहने से पहले आपने क्या किया, ये भी नेशनल ग्रेड, अगर नेशनल ग्रेड हमारे पास होता तो नेशनल ग्रेड का पंजाब से ग्रेड लेते दिन 140 दिन में कर लेंगे आप 100% कर लेंगे, फिर भी बात ये है चौधरी साहब ने कह दिया, वो कह रहे हैं अगला इलेक्शन हमने फिर जीतना है, 5 साल है हमारे पास, हम कर लेंगे, तो जो लोड शेडिंग के लिए परेशान है मेरे भाई बहन उनको मैं कहूंगी अभी सब्र करें, नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करें, एंड वी विल सी कि कौन है जो लोड शेडिंग का हल दे सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट टू मी ऑन माय फेसबुक ब्लॉग या @PM@worknews.tv के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।